वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। हम लोग क्लास 9 मैथ्स का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। आज का वीडियो लेक्चर नंबर दैट इज पार्ट 5 है, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक मैंने आप लोगों को जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो सारा सॉल्व करवा दिया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड रिवीजन चैप्टर और चैप्टर 6 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। और उसमें का जितना भी क्वेश्चन था, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एग्जाम्पल क्वेश्चन, वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करता है चलता। यहाँ पर तो क्या बोला जा रहा है, दैट इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 2y = 8। हम लोग को इक्वेशन प्रोवाइडेड है, आप ये इक्वेशन का हेल्प से हम लोग को ग्राफ बनाना है। आप इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले इक्वेशन क्या दिया हम लोग को, 2x + 2y = 8। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये पूरा इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करूंगा ताकि मेरा इक्वेशन इजी हो जाए, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, बिकॉज यहां पे देखिए सब 2 का डिविजिबल है, इसीलिए मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, 2x / 2y / 2 = 8/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल और ये 2 4 जाए 8 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, x + y = 4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं x को सिंगल छोड़ूंगा, तो जब x को सिंगल छोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, ये y को मुझे इस साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो x = क्या हो जाएगा 4, ये प्लस का इस साइड गया तो -y, इसको मान लेते इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब क्या करना है मुझे, y का मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके मैं x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेके आऊंगा और उसको ग्राफ में प्लॉट कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो 4 यहाँ पे जो भी वेरिएबल होता है उसका वैल्यू लेते हैं, ठीक है। और वैल्यू हमेशा आप लोग छोटा से ट्राई करना, 0 से, ठीक है। तो 4y = 0, अगर y = 0 लेते हैं तो हमारा इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा, इसको लिख लेते हैं x = 4 - y, और x = 4 - y का वैल्यू कितना, 0। तो कितना होगा, x = 4 - 0 = 4, ठीक है ना। अब इसके बाद 4 ऐसा हम लोग 3 वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो y का वैल्यू आप क्या लेंगे, दूसरा 0 के बाद 1 लेते हैं, ठीक है। फिर से इक्वेशन को लिख लेते हैं, x = क्या है 4 - y, और x = क्या होगा 4 - y का वैल्यू कितना 1, और x = 4 - 1 कितना 3, ठीक है। अब नेक्स्ट और एक वैल्यू लेते हैं 4y = 2 लेते हैं। तो अगर y का वैल्यू 2 लेंगे तो क्या होगा, देखिए ये इक्वेशन को फिर से लिखिए, x = 4 - y, और x = 4 - y का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2, और x = 4 - 2 कितना होगा 2, ठीक है। तो हमारे पास 3 वैल्यू आते हैं, ठीक है। अब ये 3 वैल्यू को मैं बॉक्स के अंदर लिखूंगा, ठीक है, ये x, ये y। अब यहां पे देखिए, जब y का वैल्यू 0 पुट किया मैंने, y का वैल्यू 0 पुट किया तो x का वैल्यू कितना मिला 4, तो यहां पे क्या होगा 4, ठीक है। और x y का वैल्यू मैंने 1 पुट किया तो x का वैल्यू कितना मिला 3। सिमिलरली y का वैल्यू 2 पुट किया तो x का वैल्यू कितना मिला 2, ठीक है। तो जब आप लोग ऐसे बॉक्स में लिख लोगे, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना, ठीक है। तो आप बनाते हैं ग्राफ। अब ग्राफ में क्या होता है, हम लोग दो एक्सिस लेते हैं, एक होता है क्या दैट इज x एक्सिस और एक क्या होता है y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा x डैश, यहाँ पे x और यहाँ पे y और यहाँ पे y डैश, ठीक है। अब ये सेंटर क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है, यानी 0 लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू देखिए, हाईएस्ट वैल्यू कितना है, सबने टोटल मिलाकर हाईएस्ट वैल्यू कितना है 4,
ये पूरा एक्स और वाई का वैल्यू में हाईएस्ट वैल्यू कितना है 4, तो आप लोग हर जगह 4 दे दो, ठीक है ना। आप लोग याद रखना स्केल और पेंसिल से करना ये ग्राफ को एग्जाम में, और याद रखिएगा 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेना ताकि आपको ग्राफ का ग्राफ इनकरेक्ट ना हो, ठीक है। तो 1-1 सेंटीमीटर का हमेशा गैप लेना, अपना अंदाज से ही उसको करना मत, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज ये 1, 2, 3, 4, 5 इधर 1, 2, 3, 4 और ये 5 इधर -1, -2, -3, -4, -5 इधर -1, -2, -3, -4, -5 अब जब आप लोग वैल्यू लिख लोगे अब ग्राफ को प्लॉट करते हैं। यहाँ पे देखिए y का वैल्यू कितना है 0 और वी कैन से x का वैल्यू कितना है 4, तो x का वैल्यू 4 ये हमारे x एक्सिस से, तो x का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे रुका लिए, ठीक है। फिर y का वैल्यू कितना है 0, तो मतलब 0 मतलब कुछ नहीं, तो दैट मींस ये 4 कहाँ पर आएगा यहाँ, इसको राउंड कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे लोग, दैट इज 4.0, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 4.0। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या दिया है, x का वैल्यू 3, तो ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा 3 वैल्यू, ठीक है। y का वैल्यू कितना 1 लेना, तो y का वैल्यू 1 ये रहा, तो इसका सीधा यहाँ पे आएगा ये कौन सा वैल्यू, दैट इज 3.1, तो यह क्या होगा 3.1, ठीक है। फिर x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू क्या होगा 2, तो यहाँ पे x एक्सिस ये रहा और x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू भी 2, ठीक है। ये थोड़ा नीचे होगा यहाँ, हाँ तो x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 2, तो ये कुछ यहाँ पे आए, ठीक है। तो दैट इज 2.2, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको ये तीनों लाइन को क्या करना है, मैच कर लेना, ठीक है। ये तीनों लाइन को स्ट्रेट लाइन खींच देना, ठीक है। और खींचने के बाद एट लास्ट आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे ये इक्वेशन लिखोगे, दैट इज 2x + 2y = 8, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये लिखना है, उसके बाद नीचे ये लिखना है, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को जो बचा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वो कराऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आप लोगों का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया, ध्यान से देखिए आप लोग, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एंगल आपको रेशियो के फॉर्म में दिया है, ठीक है, 3:5:9:13। तो आप लोगों क्या करना है, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो ये तो आपको रेशियो में दिया है, तो ये तो आपका एक्चुअल एंगल है नहीं, ठीक है। तो एक्चुअल एंगल जितना भी है वो सारा आपको निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये मेरा क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, ये सी और ये डी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये जब भी आपको रेशियो में दे कुछ भी चीज, तो आप लोग जैसे एंगल बोला, तो एंगल मान लेते हैं ए पे कितना बन रहा है 3x, बी पे कितना बन रहा है 5x, सी पे कितना बन रहा है दैट इज 9x और डी पे कितना बन रहा है मान लीजिए 13x, ठीक है। अब यहाँ पे जो एज्यूम किया वो लिख लेते हैं, लेट इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, एबीसीडी, ए इक्वल टू मान लेते हैं एंगल ए इक्वल टू दैट इज 3x, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू मान लेते हैं दैट इज 5x, एंगल सी इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग 9x और एंगल डी इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग 13x। हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर चारों एंगल को प्लस करें क्वाड्रिलेटरल में वो किसके बराबर आता है 360 के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ
द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों एंगल का प्लस वो किसके बराबर आएगा, 360 का, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना, 360 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, एंगल ए क्या पकड़े थे हम लोग, 3x, तो यहाँ पे 3x पुट करेंगे, प्लस एंगल डी क्या पकड़े थे, 5x, तो यहाँ पे क्या होगा, 5x, प्लस एंगल सी क्या पकड़े थे, 9x, तो यहाँ पे 9x, प्लस एंगल डी कितना, 13x, तो यहाँ पे 13x इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब इन सारा को प्लस करेंगे, तो इन सारा को प्लस करेंगे तो कितना आएगा वो देखिए, दैट इज 3 प्लस 5 8 इज 17 एंड 17 प्लस 30 इट बिकम 30, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 38, ठीक है। 3 प्लस 5 8 प्लस 9 17 एंड 17 प्लस 30 इट बिकम 30, ठीक है। यहाँ पे 30 इज इक्वल टू कितना आ गया, 360 डिग्री। अब x को सिंगल छोड़ते हैं तो 30 कहाँ जाएगा, इसका नीचे, तो 360 बाई कितना हो जाएगा, दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो 3 1 3 3 2 6, तो कितना आ गया, दैट इज x इक्वल टू 12 डिग्री, ठीक है, 12 डिग्री। अब क्या करना है, ये x का वैल्यू इन चारों में पुट करेंगे ताकि मेरा सारा एंगल आ जाए, ठीक है। तो देयरफॉर क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू कितना दिया है, 3x, यहाँ पे क्या होगा, 3x, तो 3 का 3 कुछ नहीं मतलब इनटू x का वैल्यू कितना, 12 डिग्री, तो ये कितना होगा, 12 3 36 डिग्री, ये आपका एंगल ए है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट करते हैं, दैट इज बी, तो एंगल बी इक्वल टू कितना दिया है, 5x। तो अब यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू कितना है, 5x, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल बी का बी, 5 का 5 कुछ नहीं मतलब इनटू साइन, ठीक है ना। अब x का वैल्यू कितना दिया है, 12, तो यहाँ पे कितना हुआ, 12, ठीक है, डिग्री, और 12 का वैल्यू कितना हुआ, 60 डिग्री, तो ये आपका एंगल बी आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे एंगल सी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल सी, देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू कितना दिया है, दैट इज 9x, तो यहाँ पे क्या हुआ, 9x, और एंगल सी इक्वल टू 9 का 9 कुछ नहीं मतलब इनटू x का वैल्यू कितना दिया है, 12, तो यहाँ पे 12, तो यहाँ पे क्या हुआ, 12 9 का 108 डिग्री, तो एंगल सी का वैल्यू, ठीक है ना। दूसरा नेक्स्ट क्या दिया है, एंगल डी, एंगल डी इक्वल टू कितना दिया है, 13x, तो 13 का 13 इंटू एक्स का वैल्यू कितना, 12, तो यहाँ पे 12 डिग्री। अब 13 इंटू 12 करते हैं, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, बाक्ी जो बचा है प्रीवियस क्वेश्चन वो सारा कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।